नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास टेंथ के लिए सामाजिक विज्ञान के अंक दो के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम आपको अंक दो के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो पिछले कई सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं और इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस पार्ट वन में हम आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे अंक दो के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अंक दो के लिए, उसमें भी आपको 20 प्रश्न बताएंगे। अगर आप इन 40 प्रश्नों को याद कर लेंगे तो अंक दो का एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। तो इन 40 क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से कर लेना। जैसे ही पार्ट टू की मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक करें। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट वन। पहला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति क्या है। तो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट है उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा या गरम दल के नेताओं के नाम। तो यहाँ पर क्या है, गरम दल के नेताओं के हमको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यह भी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र लिखिए। तो यह बहुत सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला जो प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय अंक दो के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रति व्यक्ति आय। फिर नेक्स्ट है मुद्दा किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। वेरी वेरी IMP लिख लीजिए, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज संरचना किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र, इस पर भी लिख लीजिए, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। कालाबाजारी किसे कहते हैं, मोस्ट ऑफ सभी है, इनमें से आपको सभी इस प्रश्न याद करने हैं, लेकिन क्या है कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते, तो मैं जो वेरी वेरी IMP बता रहा हूँ उनको तो आपको कम से कम कर लेना है। वो बुक था सोशल, यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाद में पाए जाने वाले मिट्टियों के नाम लिखिए, यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्रक के कोई दो उपयोग लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट 1857 की ई के स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम, तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ATM क्या है, जितने पिछले ईयर के 4-5 ईयर के जितने भी अंक दो में प्रश्न आए वो तो आपको करने ही हैं, उनमें से काफ़ी सारे आपके इस साल भी पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उनको तो 100% करना ही है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम को, किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ज्ञान आधारित समाज क्या है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, उदाहरण देकर समझाइए, तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार क्या, यह भी इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता के क्या करता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बॉम्बल पाने के स्रोत, क्यों ट्यूबवेल आदि हैं, कुआ और ट्यूबवेल आदि है। तो ठीक है, इस प्रकार आपको इन सभी पार्ट वन में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए, इनको अच्छी तरीके से अभी याद कर लीजिए, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इन 20 क्वेश्चनों को जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं, इनको आप 1-2 दिन में तैयार कर लीजिए। जैसे मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊँ तब आपको जो सेकेंड पार्ट में जितने भी क्वेश्चन रहे वो याद करने में परेशानी ना हो। अगर आप इन प्रश्नों को अभी याद नहीं करेंगे और फिर मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा तो फिर आपके पास 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से याद करने में हो सकता है आप लगे कि 40 क्वेश्चन मैं याद नहीं करूंगा। तो इस तरीके से इन 20 क्वेश्चनों को अभी तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगर आपके तैयार हो जाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इसका पार्ट टू भी आपके लिए बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।